कौन है दिवाली दे गुलामा जो डाकुआ ने सारे दा माल लुटिया माल मेरे को डाकू हैरान रह गया जवाना तेरी तलाशी लिए कुछ भी नहीं मिलिया ये जवान दा बादू पकड़िया डाकू लैके सरदार दे कोल तेले आके कह लगे किवें दा जवान है साडा काम ते डाके मारना है साडा काम ते चोरियां करना है सानों वेख के लोग अपना माल छुपा लेवे सानों वेख के लोग अपना माल लुका लेवे असी इस जवान की तलाशी लईए ते कोलो कुछ भी नहीं मिलिया ते जवान आप ही कहिंदा है मेरे कोल भी माल है सरदार कह लगा जवाना तेनों डर नहीं लग्या इन्हां नूं वेख के लोकी माल छुपा लैंदे तेरी तलाशी लैण दे बावजूद कुछ भी नहीं मिलिया तू कहना मेरे कोल माल है हजूर गौसे पाक फरमान लगे मैनू मेरी मां दी गल याद है जदों मां ने तोरिया मां ने कमीज दे अंदर पैसे सलाई करके आखिया पुत्रा मां दी गल याद रखनी आ जान जांदी है जली जाए झूठ नहीं बोलना हजूर गौसे पाक फरमाया मेरी मां ने मेरे पैसे कमीज दे अंदर बार सलाई की देने जदों कमीज दे अंदर बार टांके खोले जा रहे हजूर गौसे पाक पैसियां दे किरदे लगे टांके पे खोल देने इधर डाकू वेख देने उधर टांके खोले जा रहे इधर डाकुआं दे दिल दी दुनिया पई बदल दी हजूर गौसे पाक ने पैसे बार कड़ के डाकुआं दी तली ते ला दिते ते तली ते रख के फरमान लगे माल ना प्यार करन वालियो आ माल ले लो तुहानू माल नाल प्यार है मैनू मेरी मां नाल प्यार वाली दे गुलामा जान वाला पैगाम दे के जा रिया है बंदिया अज चना दे वाली चार पाई ते मैं आ गया मैनू कबर दे अंदर उतार के काफी लायो जई भूल ना जावी अज मैं चला गया कल तेरी वारी भी आ जाएगी अज मेरा वेला आ गया कल तेरा वक्त भी आ जाएगा कौन है ते वाली दे गुलामा गफलत दे अंदर जिंदगी ना गुजारे मौत आई जाएगी पर मौत आने तो पहले मौत दी तैयारी करके रखे आगे तेरे नबी दे गुलामा कदे जाके कब्रस्तान दा चक्कर लाया ने मना मन मट्टी थले ओ भी जाके समा गए जिन्ना दे दिल दा ख्याल सी साडे ते कदे मौत नहीं आ सकदी साडे यारां ने बड़ी उच्ची जगह ते लगे ने साडियां यार बड़िया उच्चे लेवल दियां ने मौत नहीं आ सकदी उन्हां दियां कबरां वीरान हो गईयां पिछे कबरां ते दुआ मंगण वाला भी कोई नजर नहीं आ रिया पिछे जाके कबर ते हाथ चुकण वाला भी नजर कोई नहीं आ रिया ते जिन्ना जिंदगी रब ते रसूल दी दात च गुजारी है हजार साल गुजर गया है मेरे दादा अली हजवेरी दी कबर आज भी आबाद है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दी कबर आज भी आबाद है जेड़े मरण तो पहले मौत दी तैयारी करके दुनिया तो जा रहे कौन है ते वाली दे गुलामा मैं सिर ते पैगाम देना आया खड़ी वाला बाबा कहंदा जीवन जीवन ते जू तेरे नालों से सोने इस खाक अंदर जा
الصلات والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے ماں غریباں ہوں خدا را یکلنگا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے بڑی صلاۃ و سلام علیک یا اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہدیے درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامعین محترم بزرگو دوستو ساتھیو آج دی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ ختم پاک دے حوالہ نال انعقاد پذیر محمد ذیشان نقشبندی صاحب نے فقیر نو حکم فرمایا فقیر حاضر ہے اللہ کریم حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے بھائی محمد ارسلان صاحب دیگر جتنے بھی بشارت صاحب اللہ سارے دی خیر فرمائے عزیزان گرامی قدر اصال ثواب ایک قرآن چو بھی ثابت ہے نبی پاک دے فرمان تو بھی ثابت ہے بہت سارے بدبخت لعین بندے ایسے ہیں جڑے اعتراض کر دیں کہندے نے مرن تو بعد کسی چیز دا قبر دے اندر کوئی اجر و ثواب نہیں ملدا حالانکہ سراسر جھوٹ بہتان اور اپنے آپ نو لانتی ثابت کرنے دی کوشش کر دیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی محبت دی بات نقل فرمائی بیٹا بیٹھ جا دینوں کی مسئلہ ہے آپ فرما دینے کہ دن قیامت آوے گا کچھ لوگ ایسے ہونگے جڑے مرے سن تے گناہگار سن تے قیامت والے دن وہ بندے اٹھنگے تے نیکیاں دے پہاڑ لے کے اٹھنگے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرے گناہگار نے تے نیکیاں دے پہاڑ کتھوں آئے حضور فرمایا انہاں دے گھر والے انہاں دے اہل و عیال والے انہاں واسطے جڑا پڑھ کے اصال ثواب کردے رہن گے اللہ کریم و اصال ثواب اپنی بارگاہ وچ جمع کردا رہے گا جو تو قیامت دا دن آوے گا پڑھیا ہویا قرآن تے منگی ہوئی دعا اودے واسطے نیکیاں دے پہاڑ بن جان گے تے ساڈا بیٹھنا بالکل بیکار نہیں ہوندا چیلم تے ہو جائے ساتے تے ہو جائے دسویں تے ہو جائے پھر سال بعد ہو جائے
साल बाद भी जरा सी जान वाले नु याद करने आ, ये भी आप नहीं कर दे बल्कि मेरे नबी भी कीता। मैदाने उहद के अंदर हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला नु मेरे आका दे लाडले चाचा जान जामे शहादत नोश फरमा गए। ते जितनी देर मेरे नबी जाहरी तौर ते दुनिया ते हयात रहे ने, जिंदा रहे ने, मेरे नबी हर साल उहद दे मैदान जाके ते अपने चाचू दी कबर ते हाजरी देंदे सन। जितनी देर सरकार हयात रहे, हर साल नबी पाक अलैहि सलाम जांदे आए ते अपने चाचा जान दी कबर ते हाजरी दे के मुस्तफा जमाने नु पैगाम दे गए, जान वाला दुनिया तो चला जाए उन ते याद रखिया जे, पर साल बाद भी याद रखना कोई नवी गल नहीं होगी, मैं मोहम्मद मुस्तफा दी सुन्नत ही होगी। असीं अपने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तरीके ते चल रहे हैं, जो मुस्तफा करीम अलैहि सलाम ने सानू हुक्म फरमाया। तो आज असी जान वालियां दे इशाले सवाब वास्ते उन्हां दी याद विच बैठे हां जमा होके। तो अदी दे निगरानी कदर ये जिहड़ियां महफिल होंदियां ने खतम शरीफ दियां, चेलम शरीफ दियां, दसवें दियां, ये महफिलां सानू पैगाम ही देंदियां ने कि जान वाला मैसेज छोड़ के गया कि मैं चला गया, ए इंसान तू गफलत च जिंदगी ना गुजारी, अज मैं चला गया कल तेनू भी इत्थे ही आना पवेगा, आज मैं दुनिया छोड़ गया कल तेनू भी दुनिया छोड़नी पवेगी, ते गफलत विच जिंदगी नहीं गुजारनी। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आपने इस जिंदगी का नक्शा खिंचया। ज़ोक होवे सुभान अल्लाह फरमाओ तो मैं पढ़ा में इंज नहीं, सारे ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। तो आरी बंदे सुल्तान फरमाते ने हसन देखे रोन लियो नी तेनु दिता किस दिलासा हूँ जिंदगी बंदे दी ए पये जिमें पानी बिच पता सा हू सौड़ी सामी ये तेनो वारगते सन ते जिथे परत ना सक से पासा हू मालिक देखो हिसाब लवेगा बाहो ए तेरती घटना बाशाहू कौन है ते वाली ते गुलाम जान वाला पैगाम दे के जा रहा चना दे वाली चार पाई ते मैं आ गया मैनु कबर दे अंदर उतार के काफी लायो जाई भूल ना जावी आज मैं चला गया कल तेरी वारी भी आ जाएगी आज मेरा वेला आ गया कल तेरा वक्त भी आ जाएगा कौन है ते वाली दे गुलामा गफलत दे अंदर जिंदगी ना गुजारे रे मौत आ ही जाएगी पर मौत आन तो पहले मौत दी तैयारी करके रखे आगे तेरे नबी दे गुलामा कदे जा के कब्रस्तान दा चक्कर लाया ने मना मन मट्टी थले ओ भी जा के समा गए जिन्ना दे दिल दा ख्याल सी साडे ते कदे मौत नहीं आ सकदी साडे यारा ने बड़ी उच्ची जगह ते लगे ने साडियां यारियां बड़ियां उच्चे लेवल दियां ने मौत नहीं आ सकदी ओना दियां कब्रां वीरान हो गईयां पीछे कब्रां ते दुआ मंगण वाला भी कोई नजर नहीं आ रिया पीछे जाके कब्र ते हाथ चुकण वाला भी नजर कोई नहीं आ रिया के जिन्ना जिंदगी रब
रब दे रसूल दी दात च गुजारी है, हजार साल गुजर गया है, मेरे दादा अली हजवेरी दी कब्र आज भी आबाद है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दी कब्र आज भी आबाद है, जेड़े मरण तो पहले मौत दी तैयारी करके दुनिया तो जा रहे हैं, कौन है ते वाली दे गुलामा मैं सिर ते पैगाम दे नया, खड़ी वाला बाबा कहंदा जीवन जीवन ते झूठा लारा ते मौत खड़ी सिर उते तेरे नालों से जीवन जीवन झूठा लारा ते मौत खड़ी सिर उते ते तेरे नालों सह सह सोने इस खाक अंदर जा सुते। भाई साहब मौत आ जाएगी, गली बाजार ते चलदियां फिरदियां भी आ जाएगी, बिस्तर ते लेटियां भी आ जाएगी, यारां बेलियां च बैठियां भी आ जाएगी, पर सही बंदा वो ये जेड़ा मरण तो पहले मौत दी तैयारी करके जाए, जेड़ा मौत नु याद रख के जिंदगी गुजारे, गफलत ते जिंदगी ना गुजारे, ते जेड़ा मौत नु याद रख के मौत दी तैयारी करके जिंदगी गुजार के जाएगा ओदी कब्र भी चंगी होवेगी, ओदा हशर भी चंगा होवेगा, क्योंकि मौत एक अटल हकीकत है। मैं ऐसे जनाजे भी पढ़े कि उन्हें जनाजे का ऐलान अचानक होया, बंदे ऐलान सुन के हैरान रह गए, यार हुण ते मेरे कोलों उठ के गया, अज चंद लम्हे पहले दी बात है, ए हुण मेरे कोलों उठ के गया, गल्लां करदा गया, मेरे नाल गपशप लगांदा गया, किवें हो सकदा कि रूह निकल गई। ओ बंदे बंदियां कोलों उठ के घर जांदे ते मौत दा पैगाम ते मौत दा सुनेहा आ जांदा, ऐलान हो जांदे फलां बंदे दी रूह निकल गई, फलां बंदा फौत हो गया। ते भाई साहब किस चीज दा मान है, किस चीज दी आकड़ है, किस चीज दा गरूर है, किस चीज दा तकब्बुर है कि इंसान दुनिया ते आके बुलाई बैठा कि मां भी मरना है। भाई साहब मर सारे जाना है, पर मरण तो पहले तैयारी करो, मौत नु याद रखो, यही मौजू लेके चलिए, बड़ा वक्त दरकार है, चूंकि ना अपने बाल दैन दे इशाले स्वभाव वास्ते माफी पाक नु सजाया। तो माँ बाप बड़ी अजीम नेमत होंदे, माँ बाप अच्छी औलाद की तबीयत करन, माँ बाप नेक होन ते फिर औलाद भी नेक होंदी है। अज बाद औकात बंदे आ जांदे ने मौलवी जी साडा मुंडा आखे नहीं लगदा, ते बंदा किरे मां ने छाती पा लवे, जे ते तू आके लगदा रहे ते हो नहीं सकदा तेरा पुत्र आखे ना लगे, जो बीजना है सोई वढ़ना है। जे तुसी जिंदगी च मां बाप दी कदर कीती होवेगी ते ए हो नहीं सकदा कल नु तुहाडे चिट्टे वाल आ जान, तुहाडी औलाद तुहाडी कदर ना करे, तुहाडी औलाद तुहाडा हया ना करे। हुण तवज्जो फरमाओ, मां कैसी होवे ते पुत्र कैसे बणदे ने। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ग्यारहवीं शरीफ दे चुके महीना भी जारी उसारी है, आप दी बचपन दी उम्र सी इल्मे दीन पढ़न वास्ते, मां ने घरों तोरिया ना चंद पैसे कमीज दी ना अंदर सिलाई कर दिते, ते मां कह लगी पुत्रा मां दी गल याद रखी, जान जांदी है चली जाए, झूठ सारे बोलो झूठ, ए कौन कह रहा है, मां सारे बोलो कौन कह रहा है, ते हुण दी मावां झूठ आप सिखाउंदियां, हुण दे प्यो झूठ आप सिखाउंदे, बाहर कोई आके दरवाजा खड़कावे ना अंदरों प्यो कह देगा जा भी, जेड़ा भी बाहर आया उनका अब्बा घर नहीं है, ते मुंडा भी अगो बड़ा सियाना हुंदा है, बाहर जाके कहंदा मेरे पापा कहंदे ने पापा घर नहीं है, झूठ ते पैर ही कोई ना, लेकिन गौस पाक दी अम्मा की कह रही है पुत्रा जान जांदी है तुर जे झूठ नहीं बोल, मां दी गल पल्ले बन्नी। हजूर गौसे पाक चल गए, चलते जा रहे, काफिला जा रहे, रस्ते चो मुकाम आया के डाकू पै गए, कौन है दीवानी दे गुलामो, जदों डाकुआं ने सारे दा माल लुटिया,
लुटदिया लुटदिया बारी हजरत गौसे पाक दी आ गई। इन्हां डाकुआं ने आके हजूर गौसे पाक दी तलाशी लई ते कुछ भी ना मिलिया। जो डाकू जा लगे मेरे गौसे पाक फरमाया डाकू इंज ते ना जाया जे जेड़ा माल मेरे कोले भी ले वो डाकू हैरान रह गया। जवाना तेरी तलाशी लई ए कुछ भी नहीं मिलिया। ये जवान दा बादू पकड़िया डाकू लेके सरदार दे कोल तेले आके कह लगे किवें दा जवान है साडा कम ते डाके मारने साडा कम ते चोरियां करना है सानू ले वेख के लोग अपना माल छुपा लईवे ने सानू वेख के लोग अपना माल लुका लईवे ने असी इस जवान दी तलाशी लईए ते कोलो कुछ भी नहीं मिलिया ते जवान आपिया कहिंदा ए मेरे कोल वी माल है। सरदार कह लगा जवाना तेनों डर नहीं लग्या इन्हां नूं वेख के लोकी माल छुपा लईदे तेरी तलाशी लैन दे बावजूद कुछ भी नहीं मिलिया तू कहना मेरे कोल माल है। हजूर गौसे पाक फरमान लगे मैनू मेरी मां दी गल याद है जो मां ने तोरिया मां ने कमीज दे अंदर पैसे सलाई करके आखिया पुत्रा मां दी गल याद रखनी आ जान जांदी है जली जे झूठ नहीं बोलना। हजूर गौसे पाक फरमाया मेरी मां ने मेरे पैसे कमीज दे अंदर बार सलाई की दे ने जो तो कमीज दे अंदर बार टांके खोले जा रहे। हजूर गौसे पाक पैसियां दे किरदे लगे टांके पे खोलवे ने इधर डाकू वेख दे ने उधर टांके खोले जा रहे। इधर डाकुआं दे दिल दी दुनिया पई बदल दी हजूर गौसे पाक ने पैसे बार कढ़ के डाकुआं दी तली ते ला दिते ते तली ते रख के फरमान लगे माल ना प्यार करन वालियो आ माल ले लो तुहानू माल नाल प्यार है मैनू मेरी मां नाल प्यार तुहानू माल नाल प्यार है ते मैनू मेरी बोलो बोलो मैनू मेरी उच्चा बोलो मैनू मेरी ओ मावा नेक होण ते फिर बच्चे भी नेक ही होंदे। मां वसीयत ये की थी पुत्रा जान जांदी है तुर जे पर झूठ सारे बोलो झूठ पैसे कढ के दे दिते फरमाया तुहानू माल नाल प्यार है ते मैनू मेरी ओ पैसे जदों आए ना डाकुआं दे सरदार दी तली ते हुण तवज्जो रखनी है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬੇਅਮਲ ਹੋਵੇ ਬੇਗੈਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੇਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਬੇਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕਾਫਿਲੇ ਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਦਿਓ ਆ ਜਵਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਇੰਜ ਪਿਆ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਾਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਰ ਜਾਏ ਪਰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਮਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਰਾਹ ਬੜੇ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਡਾਕੂਆਂ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਈ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ ਮਾਲ ਵੀ ਦੇ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲਮਾ ਵੀ ਪੜ ਲਈਏ ਮਾਲ ਵੀ ਦੇ ਲਈਏ ਤੇ ਕਲਮਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਲਮਾ ਵੀ।